एकदम कच्ची कली। मैं पति के ऑफिस जा चुके तो चलूंगी अच्छे से कली धुलने के लिए। कचौड़ी दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेलो धृति में। तो कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अरे ये कैमरा तो पति ही उल्टा हो गया। तो अभी मैं आ गई अपने किचन में और मैं बनाने जा रही थी आज, सोची हूँ देखती हूँ बन पाता है कि नहीं। आज मैं बनाने सोच रही हूँ मेथी का पूड़ी बनाने के लिए, क्योंकि पति देव कई दिन से डिमांड कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि बना लूँ और अभी चलती हूँ। पहले मैं इसको साफ कर लेती हूँ और मैं जिस भी तरीके से बनाऊंगी तो वो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ फटाफट कर लीजिए। मेरी बेटी का धमकी सुने ना आप लोग, कर लीजिए, नहीं तो उससे मैं धमकी दिलवाऊंगी। तो चलिए पहले मैं इसको साफ कर लेती हूँ। हेलो जी, तो यहाँ आ गई थी मैं अपने किचन में और पहले मैंने एक गट्ठी लिया था, फिर मुझे लगा कम होगा तो मैंने मेथी का दोनों गट्ठी ले लिया। तो जो इसकी मुलायम पत्तियाँ होती है ना, वो उसको मैंने एक साइड कर लिया, तो जो कड़ा लग रहा था उसको मैं हटा दे रही थी। अच्छे से तोड़ लिया है, अब मैं इसको चलती हूँ पानी से धुल लेती हूँ। और इधर पति देव कितने मोटे लग रहे हैं आप, स्लिम फिट लग रहे हैं, एकदम कच्ची कली। कच्ची कली है, कच्चा अनार लग रहा है। फोन नहीं कर सकते ऑफिस से? कर सकते हैं। तो किए क्यों नहीं? तुमको करना चाहिए ना। हम करें, काम है, हम बाहर घूम रहे, काम कर रहे, तुमको करना चाहिए ना। घूम रहे, घूमते हो ही, हम पता है घूमते हैं आप। घूमते हैं, कहीं नहीं घूमते। मेरे कपड़े में कुछ लगा, कुछ नहीं लगा। अच्छा, सफाई दो, बताओ कहाँ थे, कहाँ थे ए आदमी? कैसा मैसेज आया मुझे? तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से धुल लिया है। तो चलिए अब मैं इसको छोटा छोटा कट कर लेती हूँ। यहाँ आ गई है बगल की एक आंटी, तो मैं जा रही हूँ उनके लिए चाय बनाने। और मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो उनको मखाना खाने का मन कर रहा है, तो मैं एक तरफ उनके लिए मखाना फ्राई कर रही हूँ। अभी मेरा मेथी वाला काम ऐसे ही रुक गया है। तो चलिए पहले मैं आंटी के लिए चाय बना देती हूँ। मैं उनको पानी वगैरह भी दे के आई हूँ, तो चाय बना देती हूँ। तो इधर मैंने एक तरफ चाय रख दिया, एक तरफ खाना मैं फ्राई कर रही हूँ, और ये तीसरी तरफ बोलो कि चौथी तरफ, क्या ये तरह मेरा एकदम फैला हुआ है। तो पहले मैं चाय बना के दे दूँगी, मम्मी को मैं खाना दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना शुरू करूँगी। धृति का एग्ज़ाम है ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं फटाफट किचन से खाली हो जाऊँगी तो थोड़ा उसको मैं पढ़ा लूँगी, क्योंकि जब मैं बैठती हूँ तभी वो लिखती है, और इनके साथ लिखती है लेकिन मस्ती थोड़ा ज़्यादा करती है, और ये उसको मारते भी नहीं। मैं तो मार बार भी देती हुई तो मारते नहीं, इसलिए इनकी ज़्यादा मस्ती इनसे करने लगती, उतनी सुनती नहीं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं किचन से फटाफट खा ली जाऊँ, फिर उसका थोड़ा सा मैं लिखवा देती हूँ। उसको लिखने का भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसकी मैम बार बार मुझे बोलती है कि आप इसको लिखने का प्रैक्टिस कराइए, बाकी इसका सब बहुत अच्छा है। और एक बात की धृति की मैम लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब उन्होंने सामने से बोला कि आप वीडियो बनाती हैं क्या। मैंने बोला हाँ, तो वो बोली कि आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। तो मेरे लिए बहुत ही मतलब बड़ी बात ही मैं बोलूँगी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे उस टाइम। तो चलिए पहले मैं फटाफट ये सारी चीज़ें करके खाली हो जाती हूँ। औरतों का काम यार ख़त्म नहीं होता है, एक काम करके उसमें बढ़ा ही रहता है, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा है ये सारे लोगों के साथ होता होगा। मेरा चाय बन के यहाँ पे रेडी हो गया। यहाँ मैंने आंटी के लिए लिया नमकीन और मम्मी के लिए मखाना, और वो आंटी जो आई है ना, वो कप में चाय नहीं पीती, ग्लास में पीती, तो मैं उनको ग्लास में दे रही हूँ। मेरा किचन पूरा एकदम फैला हुआ है, तो चलिए पहले मैं दे लेती हूँ, फिर मैं अपना काम सारा फटाफट फिनिश करती हूँ। पति देव चाय के लिए तो मना किए थे, लेकिन उनको थोड़ा सा चाय दे देती हूँ, देखती हूँ लेते हैं कि नहीं। लो जी चाय पी लो, कुछ खाने के लिए भी दो, क्या नमकीन दो, क्या भूज रही हूँ मखाना एकदम बढ़िया आइटम। अब मुझे कुछ नहीं, मुझे भी दो मखाना, मम्मी के लिए भी लाओ थोड़ा सा नमकीन, दो मखाना ले लीजिए। तो मैं अपने किचन में आ गई हूँ, मैंने यहाँ ले लिया है आटा, थोड़ा सा मैंने लिया है बेसन, और इधर मेरा मेथी कट गया है, मैंने इसको छोटे छोटे पीस मतलब बारीक कट कर लिया है,
और इधर मैंने लिया थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा मिर्च, और इधर है धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, देगी मिर्च, इधर अजवाइन और इधर थोड़ा सा हींग, और मैं ये डालूंगी रिफाइंड ऑयल। तो चलिए पहले मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। मैं धीरे धीरे फिर से सारी चीज़ें ऐड करती जाऊँगी। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, और मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, अजवाइन, रिफाइंड ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मेरा आटा गूंथ के रेडी हो गया है। इसका आटा थोड़ा टाइट ही रहता है क्योंकि फिर पूड़ी और भी अच्छा बनता है। तो यहाँ हो गया, और इसके पीछे मतलब इसके पीछे देखिए इतनी सारी चीज़ें फैलती हैं, इतनी सारी चीज़ें इधर, इतनी सारी चीज़ें। तो आटा वाटा मेरा गूंथ लिया मैंने, तो अभी मैं चल रही हूँ आलू और टमाटर की सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि पूड़ी के साथ थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी रहती तभी अच्छी लगती है। प्लीज़ यार, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक देखने को तो मिलेगा नहीं, नोटिफिकेशन आप पे आएगा नहीं। तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो चलिए, अभी तो मेरा आटा गूंथ के यहाँ रेडी हो गया है। अभी मैं बेसन में बर्तन वगैरह या बाकी सारी चीज़ें मैंने दिखाया कि कितना फैला हुआ है, सारी चीज़ों को पहले मैं समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपना बनाना। तो मेरा सारा काम हो गया है। अभी मैंने आटा वाटा गूंथ लिया, इधर मैंने आलू और टमाटर की सब्जी बनाई है, और इधर मैंने काट लिया थोड़ा सा धनिया। तो अभी मैं चल रही हूँ पूड़ी फ्राई करने। हाई कर। तो चलिए मैं पहले पूड़ी फ्राई कर लेती हूँ, और आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा। अभी मैं ये पूड़ी बना रही हूँ, तो पति देव का ऑर्डर आया कि कौन सी उड़द की दाल का पूड़ी बनाओ। तो चलिए मैं बना लेती हूँ फटाफट। पहले इसमें मैं डाल लेती हूँ धनिया, और यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया था। फिर पतिदेव ने कहा कि मुझे भूख लगी है, तो मैंने गरम गरम पूड़ी तलना शुरू कर दिया था, क्योंकि गरम गरम खाने पे मज़ा ही कुछ अलग रहता है, और मतलब यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप लोग भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। मम्मी को भी काफ़ी पसंद आया, पतिदेव को भी काफ़ी पसंद आया। तो सारे पूड़ी तलने वलने के बाद मैंने पतिदेव को खाना दिया। क्या बात है, क्या बात है, खा के बताओ। इसे संग जलेबी रहती थी, एक मीठा भी मजा आता। कचौड़ी मीठे की कमी थोड़ी ना घर में, लो ना, लो कचौड़ी पूरी साथ मीठा। ठीक, तो मेरा खाना वाना बन गया था, सब टाइम से सबने खा पी लिया था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। पतिदेव ने भी तारीफ़ की, मम्मी ने भी तारीफ़ की। मतलब ये तो मेरी दूसरी सास है ही मंथरा की तरह, इनको पूड़ी में नमक ज़्यादा लग रहा था, मतलब सब्जी में ज़्यादा होता है वो समझ में आता। पूड़ी में किसको नमक ज़्यादा लगता है भाई साहब? हमको, इनको हमेशा कुछ ना कुछ। ये पिछले जन्म में मेरी बड़की सास रही होंगी, कितना ही कमी निकालती है ना जी। तो चलिए, मेरा सब कुछ हो गया, अब सब काम हो गया। हम लोग जा रहे थे सोने, और धृति का भी होमवर्क वगैरह, मतलब होमवर्क क्या, कल उसका एग्ज़ाम है, तो मैंने पढ़ाया वढ़ाया थोड़ा, प्रैक्टिस कराया है, थोड़ा भूल जा रही है, कोई नहीं, उसको कभी कभी बोल ले रही, कभी कभी बीच का एक दो गायब कर दे रही है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं सोने, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है धृति को, मतलब उठाना पड़ता है 6:30-7 बजे तक, और बहुत नाटक करती उठने में। ये रहा धृति का टाइम टेबल। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, और मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और अगर वीडियो मेरी देख रहे हैं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज़ ब्लॉगिंग किया करूँ, मतलब जो भी मैं डेली रूटीन में करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर किया करूँ। पता नहीं इतना पॉसिबल नहीं हो पाता यार, पता नहीं जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं पता नहीं कैसे कर लेते हैं। मेरा चेहरा कितना अजीब सा काला काला सा लग रहा है,
मैं कल उठी हो गई हूँ क्या जी? थोड़ा सा कल उठी हो गई हो। थ्रेशी कर लेती है कि चलिए फिर मैं चलती हूँ, धृति को सुला दूँ, नहीं तो इधर उधर घूमती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, और अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रखिए। जा रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।